क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हमारा चंद्रमा नष्ट हो गया तो क्या होगा, या फिर कभी आपने ये सोचा है कि अगर सूरज नष्ट हो गया तो क्या होगा? जी हाँ, सुनने में आपको थोड़ा अचरज जरूर लग रहा होगा, पर इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहना आप लोग। हमारे धरती के उपग्रह यानी चंद्रमा पर जीवन का बहुत महत्व है। जिस प्रकार से सूरज का महत्व है, उसी तरह से चंद्रमा का बहुत महत्व है। पर क्या आपको पता है कि हमारा चंद्रमा हर साल हमसे 4 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है? ज्वार भाटा चांद के द्वारा होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है। जब चांद पृथ्वी के निकट आ जाता है तो चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर एक प्रभाव डालता है और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। लेकिन ठोस जमीन ऊपर तो नहीं हो पाती, लेकिन समुद्र का जल इसी आकर्षण के कारण उमड़ने लगता है। अगर चांद नहीं रहेगा तो समुद्र जीवों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव भी पड़ेगा। हमारी धरती जो 23 डिग्री से झुकी हुई है, यह झुकाव चांद भी पैदा करता है। इसी झुकाव की वजह से ही मौसम बदलते हैं। चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अगर हमारी धरती 23.5 डिग्री पर गिरी है। पर क्या आपको पता है कि अगर चांद नहीं होगा तो धरती के आसपास अन्य ग्रह कारण धरती झूलती रहेगी। अगर धरती 0 डिग्री पर झुकी तो सारे मौसम समाप्त हो जाएंगे, यानी कि अगर चांद नहीं रहेगा तो सारे मौसम भी समाप्त हो जाएंगे। न गर्मी आएगी, न ही सर्दी आएगी। तो वही चांद अरबों सालों से धरती का चक्कर लगा रहा है। अगर वो गायब हो जाए तो धरती के अंदर बड़ी मात्रा में बदलाव होने चालू होंगे, जिसे धरती पर विनाशकारी भूकंप आएंगे। ऐसे में बिना चांद के इंसानियत तो बहुत ही ज़्यादा खतरे में हो जाएगी। यानी कि चांद से अगर गायब हो गया तो भूकंप और साथ ही साथ बाढ़, बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब ख़राब चीज़ें आ जाएंगी। और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आसमान नहीं होगा तो क्या होगा? जी हाँ, बिना चांद के आसमान, अगर चांद नहीं होगा तो रात में पूरा अंधेरा होगा। सूरज के बाद आसमान में सबसे ज़्यादा चमकने वाला चांद ही होता है। अगर चांद का प्रकाश रात में अंधेरे में शिकार करने वाले जंगली जानवर को शिकार करने में मदद करता है, ऐसे में बिना चांद के रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर क्या आपको पता है, दिन और रात का समय भी कम हो जाएगा। जी हाँ, चांद के गुरुत्वाकर्षण बल हमारे धरती की रफ्तार में एक स्थिरता पैदा करता है। अगर चांद ही नहीं रहेगा तो एक 24 घंटे का दिन कम होकर 8 से 9 घंटे का हो जाएगा। यानी एक दिन में अब 24 घंटे की जगह सिर्फ 8 से 9 घंटे ही रह जाएंगे, जो कि बहुत ही गलत हो जाएगा हमारे देश के लिए, हमारी दुनिया के लिए और हमारे पूरे जनता के लिए। तो देखा आपने चांद की कीमत के बारे में, यानी कि चांद अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। आपने यहाँ तक देखा, अब इसके आगे हम बात करते हैं। चंद्रमा की बात तो हमने कर ली, पर हम सूरज की बात करते हैं कि अगर सूरज नहीं होगा तो क्या होगा। जी हाँ, सूरज के बिना हमारा जीवन तो संभव है नहीं, क्योंकि सुबह सुबह सूरज की रोशनी हमारे जब सर पे ऊपर पड़ती है तो हमें कितना अच्छा लगता है। अगर सूरज नहीं होगा तो कुछ ग्रह जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से चिपक सकते हैं, या फिर उनमें जोरदार टक्कर भी हो सकती है। संभावना यह भी है कि सभी ग्रह और अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में चलते हुए हमारे सौर मंडल से बाहर चले जाएंगे। यानी जो सारे ग्रह हैं वो हमारे जो सौर मंडल है उससे बाहर चले जाएंगे। तो वहीं हमारी धरती जो है गर्मी की तरह अच्छी तरीके से बरकरार रखती है, इसलिए जीवन तुरंत ख़त्म नहीं होगा। तो आखिर कौन जीवित रहेगा जब सूरज भी नहीं रहेगा? तो सूरज जब जीवित नहीं रहेगा तो सिर्फ जो सूक्ष्म जीव है वही सब जीवित रह पाएंगे, और बाकी सभी लोग मर जाएंगे, चाहे वो बड़ा जानवर ही क्यों ना हो या फिर वो कोई इंसान ही क्यों ना हो, चाहे वो अमीर इंसान हो या गरीब इंसान। इस प्रकृति के आगे हर कोई बेबस है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। हम लोग मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए तथ्य के साथ। तो आपको चैनल अच्छा लगा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।